तो गाइस क्या आप भी इस टाइप का इंट्रो अपनी YouTube वीडियोस में यूज करना चाहते हैं? तो गाइस अगर आप भी इस टाइप का इंट्रो अपनी YouTube वीडियोस के लिए बनाना चाहते हैं तो गाइस मैं आपको बता दूंगा, आपको टोटल दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। नंबर एक आ गया पिक्सल लैब, नंबर दो आ गया काइन मास्टर। जी हाँ गाइस, आज की डेट में 99.9% जो यूट्यूब क्रिएटर्स है उनके पास पिक्सल लैब और काइन मास्टर एप्लीकेशन ऑलरेडी इंस्टॉल करके होगा। तो गाइस आगे का सारा प्रोसेस मैं आपको मोबाइल के लाइव स्क्रीन पर बताऊंगा, आपको कौन सी टेम्पलेट कहां से डाउनलोड करनी है विदाउट कॉपीराइट फ्री। तो गाइस आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत है, टोटल दो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप काइन मास्टर की हेल्प से इस टाइप के इंट्रो को बना सकते हैं। तो गाइस आगे का सारा प्रोसेस मैं आपको मोबाइल के लाइव स्क्रीन पर बताऊंगा। तो गाइस आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हमारे YouTube चैनल पर नए बने तो गाइस नीचे में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। आगे हम मोबाइल की स्क्रीन पर, जैसे कि मैंने आपको वीडियोस के शुरू में ही बताया था कि आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है इस इंट्रो को बनाने के लिए, नंबर एक आ गया आपका काइन मास्टर, नंबर दो आ गया आपका पिक्सल लैब। तो गाइस सबसे पहले हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन कर देंगे। तो गाइस पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो गाइस सबसे पहले आपको प्लस के आइकन पर ऊपर क्लिक करना है, टेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल का यहाँ नाम लिख लेना होगा, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है एच के टेक। तो गाइस आप अपने हिसाब से अपने यूट्यूब चैनल का नाम यहाँ लिख सकते हैं, मैंने लिखा है एच के टेक। तो गाइस एच के टेक को आप इजीली यहाँ से बड़ा कर सकते हैं। तो गाइस बड़ा करने के बाद सबसे पहले मैं अपने एच के टेक को एक कलर दे दूंगा। तो गाइस कलर में इसको व्हाइट ही रखने दूंगा क्योंकि व्हाइट एक प्रोफेशनल कलर है, तो गाइस दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद आप फॉन्ट्स अपने हिसाब से कोई भी स्टाइलिश रख सकते हैं। तो गाइस जैसे कि मैं ये रख लूंगा, मैं ये वाला रखूंगा अमर। तो गाइज मैंने ये एच के टैग रख दिया। तो गाइज एच के टैग रखने के बाद मैं इसको थोड़ा डाल दूंगा, स्ट्रोक भी डाल दूंगा। तो गाइज स्ट्रोक डालने के बाद मैं थोड़ी शेडो डाल दूंगा, शेडो डालने के बाद इतना प्रोसेस हो जाएगा। तो गाइज आप देखेंगे नीचे बॉटम में आपको पांच एक ऑप्शन दिखाई देते हैं। नीचे सबसे पहले आगे सर्कल जैसा स्टाइल के नीचे, दूसरा आता है एडिट के नीचे ए लिखा है, ए को भी क्लिक करेंगे, डिलीट के नीचे ये लिखा है इसको भी क्लिक करेंगे। तो गाइज के बाद हमें दो शेप्स का ऑप्शन दे दिया जाता है, इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाता है बॉटम में, कलर ट्रांसपेरेंट इमेज साइज क्रॉप इमेज। तो गाइज सबसे पहले हमें ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर देना है आपका जो एच के टैग है। तो गाइज हो गया ट्रांसपेरेंट, माने कि इसके बैकग्राउंड में आपको कोई भी पिक नहीं है। तो गाइज इसलिए आपको उसको ट्रांसपेरेंट करके यहाँ से ऊपर टॉप के थ्री डॉट पर क्लिक करके आपको एक्सपोर्ट इमेज पर कर देना है, यहाँ से आपको इमेज को डाउनलोड कर देना। तो गाइज इतना प्रोसेस हो गया। तो गाइज इतना प्रोसेस होने के बाद सबसे पहले अब आपको पड़ेगी काइन मास्टर की जरूरत, क्योंकि आगे का सारा प्रोसेस अब काइन मास्टर पर ही होने वाला है। तो गाइज आपने कर दिया काइन मास्टर को ओपन। तो गाइज आपके सामने काइन मास्टर को हमने ओपन कर दिया, न्यू प्रोजेक्ट पर सबसे पहले क्लिक करेंगे, 16:9 का रेशो लेंगे। तो गाइज क्रिएट पर क्लिक करेंगे। तो गाइज क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको एक वीडियोस क्लिप की जरूरत पड़ने वाली है। तो गाइज इस वीडियोस क्लिप का मैं अपनी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट कॉपीराइट फ्री। आपको कभी इसमें डरने की जरूरत है, आपको कभी कॉपीराइट का इशू नहीं आएगी क्योंकि कॉपीराइट फ्री मैंने ऑलरेडी दी है। तो गाइज आपको करना है आपको उस क्लिप को ले लेना है, जैसे कि मैं ले लूंगा, मैं डाउनलोड की वीडियोज़ में मैंने वो डाउनलोड करके रखी है, मैं उस क्लिप को यहाँ से डाउनलोड कर दूंगा। तो गाइज जैसा कि मैंने वो वीडियोस का क्लिप ले लिया यहाँ से, तो गाइज आपके सामने ये रहा वीडियोस का क्लिप। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया वीडियोस का क्लिप है, आप इसमें कोई भी कलर रख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि आपको इंट्रो कैसे बनाना है। तो गाइज आपको इसको चलने देना है, देखो लपट चल रहा है। तो गाइज चलने के बाद जब भी ये यहाँ पर मर्ज हो जाता है, तो गाइज यहाँ पर आपको अपने यूट्यूब चैनल का नाम लिखना है जो आपने वहाँ पिक्सल लैब से आपने कॉपी किया था, यानी कि एक्सपोर्ट किया था। तो गाइज मैं लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको मीडिया के ऑप्शन पर जाना है। तो गाइज मीडिया के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको पिक्सल लैब में से जो आपने पिक वहाँ से डाउनलोड की होगी उस पिक को लाकर यहाँ से आपको इसको जूम करके इजिली अपने हिसाब से आप यहाँ फिट कर सकते हैं। तो गाइज फिट करने के बाद आप देखेंगे, फिट करने के बाद आपको इस इमेज को करना है, यहाँ से आपको लेना है इन एनिमेशन। तो गाइज इन एनिमेशन पर जाने के बाद आपको पॉपअप देना है, पॉपअप देने के बाद आपको यहाँ से बैक आ जाना है। अब आपके सामने ये रहा इंट्रो। तो गाइज ये रहा आपके सामने इंट्रो, ऐसे आप इंट्रो बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम लैपटॉप का कलर कैसे चेंज करें, यानी कि लाल कैसे कलर करें जिससे वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल लेवल का लगे। तो गाइज आपको इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको ऊपर लैपटॉप पर क्लिक कर दिया, फिल्टर के ऑप्शन पर जाना है, बेसिक के ऑप्शन पर जाने के बाद आपको बहुत सारे फिल्टर देखेंगे, तो आपको B38 पर जाना है। तो आपको इसलिए आपका लैपटॉप जो रेड कलर में हो जाएगा, इसको आप कम ज़्यादा कलर कर सकते हैं, जैसे कि ये रहा आपके सामने। तो गाइज इस हिसाब से आप इसके लैपटॉप का कलर चेंज करके अपने मतलब जो है एक किस्म का इंट्रो का कलर ही चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपने और एक बार क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आप वापस से फिल्टर पर आएंगे, फिल्टर पर जाने के बाद आप कोई सा भी रख सकते हैं, नीला लैपटॉप बन गया, इस वक्त आप कोई दूसरा कलर दे सकते हैं, इस वक्त येलो कलर दे सकते हैं, आप इसलिए अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे आप वो रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक ग्रीन दिखाऊंगा और ये भी ग्रीन रहेगा, जैसे कि मैं ये ग्रीन रखूंगा, ये रहा आपके सामने।
तो गाइज इसलिए आप अपने हिसाब से कोई भी यहाँ से फॉन्ट उठा के कलर रख सकते हैं। जैसे कि मैं एच के टैग पर मैं दूसरा कोई कलर रख सकता हूँ, तो गाइज आप इसको भी यहाँ से फिल्टर पर ले सकते हैं एच के टैग को, बेसिक पर जाके, बेसिक पर जाने के बाद आप इसको भी रेड कलर रख सकते हैं, जैसे कि आपका एच के टैग अब रेड कलर का दिखेगा। तो गाइज ये रहा आपके सामने इंट्रो, इस एप्लीकेशन की मदद से टोटल आप 2 मिनट के अंदर अंदर ऐसा इंट्रो बना सकते हैं। तो गाइज ये थी कुछ छोटी सी इन्फॉर्मेशन।